नमस्कार, मैं साक्षी एम एस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। पत्नी ने संबंध बनाने से मना किया तो घोट दिया गला। शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर एक शख्स ने बड़े ही क्रूरता से अपनी ही पत्नी की गला घोट कर हत्या कर दी। यह घटना गोवा की है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों की शादी 7 साल पहले हुई थी। उनकी 5 साल की एक बेटी और 3 साल का एक बेटा भी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह घटना गोवा के जुआरी नगर की है, जहां रविवार को शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शख्स ओडिशा का रहने वाला है, जिसकी शादी 7 साल पहले केरल की महिला से हुई थी। पुलिस के पूछताछ के दौरान उसने बताया कि रविवार की रात 9:30 बजे के आसपास घर में सभी सो गए थे। 1 घंटे बाद 10:30 बजे उसने पत्नी से संबंध बनाने के लिए कहा, जिस पर वह बिफर गई। आरोपी शख्स के अनुसार पत्नी ने न केवल संबंध बनाने से मना किया, बल्कि इस दौरान उसे अपशब्द भी कहे और किसी अन्य महिला के पास चले जाने या बेटी के बड़े होने तक इंतजार करने की बात भी कही, जिससे वह नाराज हो गया। इसे लेकर दोनों के बीच खूब बहस हुई, जिसके बाद उस शख्स ने गला घोट कर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद वह घर से बाहर निकल गया। इस दौरान करीब आधी रात को उसकी मुलाकात एक हवलदार से हुई, जिसे उसने घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वह उसे पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मैंने सुन लाई की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से मैंने सिंधी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।